हम षटकर्मा की क्रियाओं को करने से पहले हम कुछ जानेंगे ज्ञान षटकर्मा के बारे में। जो षटकर्मा है वो दो शब्दों के मेल से है, षट प्लस कर्मा। तो जो षट है वो है छः, जो छः हैं वो है हमारी टेक्निक्स, और कर्मा हमारे हो गए टेक्निक्स या मेथड्स जो कि हम करते हैं अपनी बॉडी की प्योरिफिकेशन एंड क्लेंजिंग के लिए। षटकर्मा का बेसिक जो मोटिव है वो यही है कि जो योगिक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, योग के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी हमारे इम्प्योरिटीज हैं, वो सारे के सारे हमारे जन्म देते हैं डिजीजेस को। और जब इम्बैलेंस होता है एक हमारे दोष में, जो कि तीन प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। जब इनमें कोई बैलेंस नहीं होता और ये असंतुलित हो जाते हैं तो जो बीमारियां होती हैं उनका जन्म होता है। तो जो षटकर्मा का मोटिव है वो है हमारी बॉडी को क्लेंस करना, प्योरीफाई करना और डिटॉक्सिफाई करना इन सारी इम्प्योरिटीज और टॉक्सिन से जो हमारी बॉडी में आम बन के डिजीजेस को उत्पन्न करते हैं। तो जो षट क्रियाएं होती हैं वो छः होती हैं, जैसा कि हमने पहले जाना। तो ये जो छः क्रिया होती हैं ग्रहण संहिता के अकॉर्डिंग, जो सेज ग्रहण ने हमें दी हैं, वो दी हैं धोती, बस्ती, नौली, नेति, कपाल भाती व त्राटक। तो इनमें से जो आज हम षटकर्मा की क्रिया करेंगे वो हमारी क्रिया नंबर छः होगी, जो कि है त्राटक की क्रिया। तो त्राटक जो क्रिया है वो जैसे कि एक षटकर्मा की क्रिया है तो वो हमारी क्लेंजिंग और प्योरिफिकेशन में काम आती है। पर वो क्लेंजिंग एंड प्योरिफिकेशन हमारी तीन लेवल्स पे करती है, पहला आंतरिक लेवल, दूसरा हमारा कपाल की क्लेंजिंग एंड तीसरा हमारा नेत्र क्लेंजिंग। तो जो ये तीन लेवल पे क्लेंजिंग होती है वो हमारे जितने भी नेत्र के रोग होते हैं, जितने भी हमारी नर्वस प्रॉब्लम्स या इम्पेरिटीज होती हैं, उन सबको ये उस पर ये वर्क करता है। तो जो त्राटक क्रिया होती है उसमें हम दीपक की लौ की तरफ एकटक होकर नजर उसको हम देखते हैं बिना पलक झपकाए। हम जब तक पलक नहीं झपकते तब तक, जब तक हमारी आईज वॉटरी नहीं हो जाती या उनमें से पानी नहीं बहता। हमारा मेन मोटिव पानी, आंखों में से पानी या आंसू बहाना नहीं है, बल्कि ये है कि हम कितनी देर तक लौ को एक टक देखते रहें। तो ये जो क्लेंजिंग क्रियाएं होती हैं वो हमारी जो हमारी आईज की क्लेंजिंग होती है उसके साथ साथ ये न्यूरोलॉजिकली कैसे वर्क करती है। ये ऐसे वर्क करती है कि जब हमारी जो आईज होती हैं, आईज हमारी एक तक एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन करते हुए देखती है, तो वही कंसंट्रेशन हमारी जो हमारी ब्रेन में जितने भी सेल्स या जितने भी एक्टिविटीज हो रही होती है, हमारा मन विचलित हो रहा होता है, उस सबको ये एकाग्र करती है, एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन बिल्ड करती है। अब इस कंसंट्रेशन से क्या होता है कि जो हमारी आईज होती हैं वो हमारा मेन मुख्य द्वार होते हैं हमारे कॉन्शियस को जानने का। हमारी कोई भी आप चीज़ होती है, आप सबसे पहले आप अपनी आंखों से आप उसको महसूस करते हैं, आप देखते हैं उसको। तो जो भी उसके आगे की प्रक्रिया उस ऑब्जेक्ट या वस्तु पे डिपेंड करती है, पर आप सबसे पहले आप अपनी आईज से उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो जब हम एक पॉइंट पे बहुत देर तक कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसको हम फोकस करके अपना बना के उसको हम हमारा सारा फोकस उस एक पॉइंट पे रहता है, तो उस पॉइंट से हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो भी स्टेबल होता है, वो भी काम होता है, जिससे हमें स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जो हम ध्यान साधना समाधि करते हैं, जो कि 8 limbs हैं हमारे योग के, उस सब में हमें वो पहुंचाने तक, उस अंतिम पड़ाव पे पहुंचाने में वो बहुत ही सहायक होती है। तो त्राटक बहुत ही अच्छी क्रिया है, पर इसके साथ साथ जैसे कि हम जानते हैं कि हर क्रिया आसन प्राणायाम के कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी होते हैं, तो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये हैं कि आपको जो अपना फोकस है वो 5 मिनट से ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, और जो फ्लेम है, जो लॉ रहेगी वो स्टेबल रहेगी, अनस्टेडी नहीं रहेगी। तो आप ऐसे इन्वायरमेंट में करिए जहाँ पे कोई भी हवा या तेज़ बहाव ना हो हवा का, जहाँ पे आपकी लॉ बुझने का या अनस्टेबल फ्लिकर करने का ऑप्शन हो। तो आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहे जहाँ जो कि शांत हो, काम हो और जो आपकी साधना के लिए उपयोगी हो। दूसरा, उन लोगों को ये
आसन, ये त्राटक का अभ्यास नहीं करना षटकर्मा का जिनको ग्लूकोमा हो, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो, या 6 महीने में उनका ऑपरेशन हुआ हो आईज का, लेसिक या लेजर। तो अगर आपका 6 महीने इवन आपके पूर्व हो चुके हैं, 6 महीने बाद भी आपको डॉक्टर की सलाह से ही त्राटक का अभ्यास करना है। और जिन लोगों को स्पेक्टिकल्स है और जो लेंस लगाते हैं, उन लोगों को स्पेक्स उतार के और अपने लेंसेस को उतार के ही अपने आईज से फोकस करना है। आप लेंस लगा के या स्पेक्टिकल्स लगा के लॉ को मत देखिए। अगर आपको विजन ब्लर भी होती है तब भी आप कोशिश करिए कि आप उसको लॉ को कंटिन्यूसली आप फोकस बना के देखते रहें, आपसे जितना क्लियरली देखा जाए, पर आपको स्पेक्स लगा के या लेंस नहीं लगाने क्रिया के दौरान। क्रिया से करने से पहले आपको अपनी आईज एक प्रिकॉशनरी, आप अपनी आईज को अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसको थोड़ा सा आप नॉर्मल विजन के लिए एक सेट कर लीजिए अपनी आईज को। उसके साथ साथ अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो त्राटक क्रिया के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमने इसके इनिशियली बेनिफिट्स भी जाने हैं। इसके अलावा अगर हम पर्टिकुलर बेनिफिट्स की बात करें तो जितने भी आईज डिसऑर्डर होते हैं त्राटक क्रिया से वो सारे के सारे शमन होते हैं। जैसे कि आपका मायोपिया हो गया, शॉर्ट साइटेडनेस हो गया, फायर साइटेडनेस हो गया, आईज में इरिटेशन होना, जलन होना, ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे त्राटक क्रिया के अभ्यास से धीरे धीरे कम होती रहती है। तो जो इवन आपके प्रॉब्लम्स है, कंसंट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपके स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आप एक जगह अपना फोकस क्रिएट नहीं कर पाते, आप अपनी बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते अपने आसनों में, या पढ़ाई के वक्त आपका कंसंट्रेशन नहीं बिल्ड हो पाता, या वो लोग जो ओवर थिंक बहुत करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये क्रिया बेहद लाभकारी है। क्योंकि इस क्रिया से आपके धीरे धीरे थॉट्स कम होते हैं और थॉट्स जब आपके कम होते हैं तो आपका विचार जो काम की चीज़ है उस पे वो ज़्यादा लगते हैं और जो बेकार के फालतू के इधर उधर के थॉट्स हैं उन पे नहीं लगते। तो जो त्राटक क्रिया है उसको करने से पूर्व प्रैक्टिकली मैं उसको थोड़ा सा आपको एक बेसिक गाइडलाइन दूंगी, या फॉलो अप जो गाइडेड पाथ करोगे वो ये होगा कि आपको एक हाथ की दूरी पे अपने जो स्टैंड है त्राटक का उसको रख के आपको त्राटक क्रिया करनी है। और जो आपका दीपक रहेगा वो आपकी आईज की, आपकी दृष्टि की बिल्कुल सामने रहेगा, ना कि नीचे और ना ही बहुत ऊपर, आपके दृष्टि के लेवल पे ही रहेगा। तो आप देख लीजिए, आप कोई भी ऐसा स्टैंड या त्राटक का अलग से स्टैंड भी आता है वो भी ले सकते हैं। अगर वो नहीं है तो घर पे ही आपके पास जो भी अवेलेबल मटेरियल या सामान है आप उसका उपयोग करके आप त्राटक का स्टैंड बना सकते हैं। तो उसके बाद आपको जो लौ जलानी है, लौ जलाने के बाद जो आप फोकस करेंगे, आपका ध्यान जो रहेगा, आप जिस दृष्टि जिस आपकी दृष्टि जिस ऑब्जेक्ट पे रहेगी वो रहेगा दीपक का सेंटर का पार्ट। आपको लौ के टिप पे नहीं देखना, आपको लौ की एंड पे देखना है जहाँ पे ब्लू वाला पोर्शन होता है। तो जहाँ पे ब्लू वाला पोर्शन खत्म होता है आपको उस जगह अपनी आई को फोकस करना है। कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिना पलक झपकाए उस लौ को कंटिन्यूसली देख पाएं जितना आपसे हो पाए संभव, पर 5 मिनट से ज़्यादा इस अभ्यास को नहीं करना है। तो जब आप लौ को फोकस करेंगे तो आपको ध्यान रखें आप ब्लिंक ना करें, और आपकी आईज में अगर पानी भी आता है, वाटर भी आता है, तब भी उसको आने दीजिए। एट लास्ट जब आपको लगे कि आपसे होल्ड नहीं हो रहा तो आप धीरे से अपनी आँख को पलक को झपक के आप त्राटक की क्रिया को एंड कर सकते हैं। अब त्राटक की क्रिया जब आप एंड की तरफ हों तो आपको, जब आप अपनी आंख बंद करेंगे तो आपको वो जो लौ होगी वो आपको लौ अपनी मस्तिष्क में दिखाई देगी। तो उस लौ को अपने अंतर मन से ही आपको शांति भाव से उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है उस लौ को। और जब धीरे धीरे वो लौ फेड होने लगे, आपको वो लौ ना दिखे अपने अंतर मन में, तो उसके बाद आपको धीरे से गहरे लंबे श्वासों के साथ आपको शांति पूर्वक उस क्रिया को अंत कर देना है। तो अभी इनिशियल प्रैक्टिस के लिए चलिए करते हैं त्राटक का अभ्यास। आप प्रैक्टिस से पूर्व अपने बैठने के लिए एक आसन भी ग्रहण कर सकते हैं जो कि कंफर्टेबल हो और आपको ज़्यादा थोड़े समय के लिए बैठने में उपयोगी हो। तो आपको एक कुशन फॉर्म मिल जाएगा, आप किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल पोजीशन और पोस्चर हो। तो चलिए शुरू करते हैं त्राटक ध्यान। सांस आपकी सामान्य रहेगी और दृष्टि आपकी लॉ पे फोकस, जो टिप ऑफ द लॉ है आपको
उसकी जगह जो उसका बेस बॉटम है बीच में जो एक ब्लू कलर की फ्लेम आती है उसको आपको देखना है एक टक।
श्रद्धा से आंखें बंद कर लेंगे, अपने अंतर आंखें अंतर्मुखी भाव से उस लौ को देखेंगे। आप देख पाएंगे कि वो लौ अभी भी आपके मस्तिष्क में प्रज्वलित है। जितने भी विकार विकृतियां, जितने भी वेव्स हैं अनवांटेड जो आपके माइंड को भटका रही हैं, बहुत सारे थॉट्स लेकर आ रही हैं अनवांटेड अननेसेसरी, वो सारे की सारी इस लॉ के प्रकाश में खत्म हो रही हैं। महसूस कीजिए कि जो ये प्रकाश है दीपक का, वो आपके मस्तिष्क के जितने भी विकार हैं रोग हैं उन सभी को वो दूर कर रहा है। इस प्रकाश से एक नई ऊर्जा, नई सकारात्मकता आपके मस्तिष्क व पूरे तन में विराजमान हो रही है। ये प्रकाश एक नए दिन के प्रकाश की तरह उभर रहा है और आपको ढेर सारी खुशियां व आरोग्य का वरदान देके जा रहा है। धीरे धीरे महसूस करेंगे कि ये जो लौ है वो कुछ हल्की और फेड हो रही है। आपके विचार धीरे धीरे कम हो रहे हैं, आपके विकार धीरे धीरे कम हो रहे हैं, आपकी रोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं, आपकी आंखों की जितनी भी विक्रियां हैं, जितने भी उसमें कोई भी डिजीज है प्रॉब्लम है वो सारे की सारी धीरे धीरे कम हो रही है इस लॉ के तरह। महसूस करिए कि आपका पूरा शरीर शीतल और समान भाव से भरा हुआ है। आपके दोष, आपके त्रिदोष सारे समान हो रहे हैं। आपकी बॉडी लाइट महसूस कर रही है। महसूस कीजिए और इसी के साथ शांत त्राटक एक तरीके का ध्यान भी है, जिससे आप एक पॉइंट पे फोकस करके ध्यान लगाते हैं। उसी तरह त्राटक के ध्यान में भी आपका मन शांत होता है, आपका ध्यान एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस रहता है। आप इसमें गहरी लंबी सांस भरेंगे व गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। सांस आपकी सामान्य नहीं रहेगी, गहरी रहेगी, गहरी व लंबी। तो जो आप सांस भरेंगे इनहेलेशन में, तो आपको सो की आवाज आएगी, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपको हम की आवाज आएगी। तो ये है हमारा सोहम ध्यान। तो जो हम सांस भरेंगे व सांस छोड़ेंगे वो हम ये सोचते हुए छोड़ेंगे व भरेंगे कि हम सोहम का उच्चारण कर रहे हैं। आपको मुख से नहीं परंतु अपनी सांसों से इसका उच्चारण करना है। सोहम का अर्थ है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस माइंड और इंटेलेक्ट, वी आर दिस सुप्रीम कॉन्शियस। हम ब्रह्मण हैं, हम ब्रह्म तत्व हैं, हम ब्रह्मा हैं, हम कोई एक नहीं है,
हम कोई इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि हम एक सुप्रीम डिवाइन का पार्ट है। हम खुद सुप्रीम डिवाइन है। तो सोहम के इसी अभ्यास को, इसी ध्यान को हम करेंगे सांसों की प्रक्रियाओं से। भरेंगे गहरे लंबे सांस सोहम के भाव से। सांसों को सामान्य करेंगे। करेंगे शांति पाठ। सभी दोहराएंगे मेरे पीछे। शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोषदयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ॐ शांति 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 ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ परमात्मने नमः। दोनों हथेलियों को जोड़ेंगे प्रणाम मुद्रा में। और इस सत्र के लिए, इस दिन के लिए, इस जीवन के लिए हम प्रभु ईश को धन्यवाद करेंगे। हम प्रभु ईश से विनती करेंगे कि हमने जो भी अभ्यास करे, त्राटक क्रिया, षटकर्मा क्रिया, उस सभी का लाभ हमारे प्रत्येक अंग को, हमारे मन, बुद्धि, चित्त व अंतःकरण को मिले। हम इसी तरह निरंतर योग अभ्यास करते रहें व औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ हम इस योग सत्र को अंत करते हैं। करेंगे दोनों हथेलियों में घर्षण। जितनी भी ऊर्जा एकत्रित हुई है वो तो हम
अपनी आंखों में हमारे मस्तिष्क व पूर्ण तन में वापस से ग्रहण कर लेंगे। आप सभी का धन्यवाद इस सत्र में जुड़ने के लिए। नमस्कार।